गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। हम जो है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कंटिन्यू करते हैं, उसकी फॉर्मूलेशन देखते हैं। तो वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स ले रहे हैं, दो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं जिनको आप अलग से नहीं बता सकते कौन सा पार्टिकल कौन सा है। तो हमारे पास दो पार्टिकल्स मिलके सिस्टम बना रहे हैं, उसका हैमिल्टोनियन जिसको आप एनर्जी कहते हो सिस्टम की, वो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो? माइनस एच क्रॉस स्केयर बाय 2m डेल्टा 1 स्केयर प्लस वी, दैट इज़ फंक्शन ऑफ 3 स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एंड 1 स्पिन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ SZ1। सिमिलरली वी हैव काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड पार्टिकल, माइनस एच क्रॉस स्केयर बाय 2m इंटू डेल्टा 2 स्केयर प्लस वी, दैट इज़ फंक्शन ऑफ x2 y2 z2 sz2, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ 3 स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एंड 1 स्पिन कोऑर्डिनेट। नाउ वी कैन राइट वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एज साई 1। जो फर्स्ट पार्टिकल का हमारा, जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन में एच साई इक्वल टू ई साई लगाएंगे तो श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करने पे हमारे पास वेव फंक्शन क्या आ रहा है? फर्स्ट पार्टिकल का साई 1। इसी तरह से जब सेकंड पार्टिकल की श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व की सेकंड के लिए, तो उसका वेव फंक्शन क्या मिला? साई 2। सो हम अपने सिस्टम का लिखेंगे, दोनों का आ चुका हमारे पास, फर्स्ट का पता चल चुका, सेकेंड का पता चल चुका। सो वेव फंक्शन ऑफ आप अपना सिस्टम क्या बताओगे? साई 1 2 इज इक्वल टू साई 1 इंटू साई 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेव फंक्शंस। सो टोटल वेव फंक्शन कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पेशियल एंड स्पिन कोऑर्डिनेट्स। जो हमारे पास सिस्टम का वेव फंक्शन आया है, इसमें हमारे पास स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स भी हैं और स्पिन कोऑर्डिनेट्स भी हैं। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लाइक हमारे पास दो क्वांटम स्टेट्स हैं ए एंड बी। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि फर्स्ट पार्टिकल हमारे पास ए स्टेट में आ जाए, सेकंड पार्टिकल कहाँ जाए? बी स्टेट के अंदर जाए। सो पार्टिकल 1 इज़ इन क्वांटम स्टेट ए एंड पार्टिकल 2 इज़ इन क्वांटम स्टेट बी। तो इस केस में वेव फंक्शन क्या हो गया सिस्टम का? फर्स्ट पार्टिकल हमारा है ए में तो साई a1, सेकंड हमारा पार्टिकल है बी में तो साई b2। क्या बन गया ओवरऑल सिस्टम का? साई फर्स्ट पार्टिकल ए में है तो ए को आप पहले लिखेंगे, सेकंड पार्टिकल बी में है तो साई ab इज इक्वल टू साई a1 साई b2। सिमिलरली सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, कि जो है पार्टिकल 1 मेरा है वो क्वांटम स्टेट बी में है, ये पॉसिबिलिटी बी में है, एंड सेकंड पार्टिकल मेरा कहाँ है? ए के अंदर है। तो वेव फंक्शन क्या लिखोगे आप सिस्टम का? साई फर्स्ट पार्टिकल मेरा बी में है, सेकंड मेरा ए में है, 1 2 इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल बी में साई b1 एंड सेकंड मेरा कहाँ है? ए के अंदर है, साई a2। आगे क्या लिखेंगे? एज पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल बोलेंगे या इनडिस्टिंग्विशेबल बोलेंगे? सो वी डोंट नो कि जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई थी कि फर्स्ट पार्टिकल ए में है या सेकंड बी में है, या दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि फर्स्ट पार्टिकल बी में है सेकंड ए में है, तो हम अपनी एग्जैक्ट जो है सिस्टम की वे फंक्शन नहीं बता सकते कि इक्वेशन 2 हमें सिस्टम बता रही है या इक्वेशन 3 है। दोनों ही इक्वली प्रोबेबल केसेस हैं। तो हम क्या करेंगे? लीनियर कम्बिनेशन लेंगे इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ का। तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या बन गया? साई 1 2 इज इक्वल टू साई ab 1 2 प्लस माइनस साई ba 1 2। साई ab 1 2 क्या था मेरे पास? फर्स्ट पार्टिकल ए में था, सेकंड पार्टिकल बी में था। इसी तरह से साई ba 1 2 क्या था? फर्स्ट पार्टिकल बी में था, सेकंड मेरा ए में था। तो ये क्या हो गया? ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साई ab एंड साई ba। अब हमें क्या करना है? ये फोर्थ इक्वेशन है जो है सिस्टम का वेव फंक्शन है, इसको हमें क्या करना है? नॉर्मलाइज करना है इस वेव फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे? जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, किसी भी फंक्शन को सबसे पहले हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो 1/√2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 को। तो क्या बन गई? 1/√2 साई a1 साई b2 प्लस माइनस साई b1 साई a2। तो ये मेरा क्या आ गया? वेव फंक्शन आ गया आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, जिसको हम जो है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास जो है, मैं नेक्स्ट टॉपिक डालूंगी भी, सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो मेरा बोजोन पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया होगा। तो बोज पार्टिकल्स
उससे नेक्स्ट टॉपिक में, बोज पार्टिकल्स हैं, बोजोन्स हैं, जो उसका वेव फंक्शन क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, और फर्मियोन्स का वेव फंक्शन क्या रहता है, एंटीसिमेट्रिक रहता है। इन केस हम दो पार्टिकल्स के जो हैं स्पिन कोऑर्डिनेट को, स्पिन स्पेशियल कोऑर्डिनेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वेव फंक्शन अगर अपना साइन चेंज कर लेता है तो वो सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज एंटीसिमेट्रिक। नेक्स्ट लेक्चर मेरा सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन पर होगा। तो यहाँ से क्या ले रहे हैं हम, अगर इन केस दोनों पार्टिकल्स हमारे सेम क्वांटम स्टेट में आ जाएं, ए इज इक्वल टू बी हो जाए, तो आप देख रहे हो यहाँ तो प्लस का साइन है लेकिन एंटीसिमेट्रिक में माइनस का साइन है फर्मियोन्स के केस में, तो साई बोजोन तो आपके पास क्या रहेगा, ए को बी में कर दो, बी यहाँ पे ए बन गया, इसी तरह से ए बी, ये तो ट्वाइस हो जाएगा कुछ साई ए वन साई बी टू का, या जो भी है नॉन जीरो रहेगा। लेकिन फर्मियोन्स के केस में क्या हो रहा है, अगर ए को बी में कर दो, बी को ए में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसका वेव फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, अगर दोनों को हमने सेम क्वांटम स्टेट में लिया तो जीरो, लेकिन वेव फंक्शन आपका जीरो नहीं होता है, मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फर्मियोन्स, मीन्स बोथ पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट इन केस ऑफ फर्मियोन्स। लेकिन बोजोन्स तो एक ही क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और यही बोजोन्स की प्रॉपर्टी भी होती है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि बोजोन्स तो सेम में एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन फर्मियोन्स नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास किसका केस होता है, फर्मियोन्स का ही तो केस होता है। तो यहाँ से जो है हमने अपने मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मीन्स उनका कोई ना कोई क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दैट्स ऑल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट मैं उसको फर्दर इम्प्रूव करूँ। थैंक्स ऑल।